इक्कीस नंबर क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो जे फिलिप्स, जी 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 जे फिलिप्स, एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन, जे फिलिप्स, ठीक है। इसका प्रकाशन 1852 में किया गया था। मुंडा जनजातियों का एक प्रमुख डांस कौन सा है? तो मुंडा जनजातियों का प्रमुख डांस पैका है, पैका, पैका, कौन सा है जी, पैका। झूमर गीत का आयोजन कब होता है? तो झूमर गीत का आयोजन तीज, कर्मा, जितिया के समय होता है जी, है ना। झूमर गीत मुंडा जनजातियों का एक डांस पैका। चरक खुद्र जलकुंड किस जिला में स्थित है? चरक खुद्र तो धनबाद में है ना, धनबाद में, याद रखेंगे। ये टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चरक खुद्र गांव में स्थित है, ठीक है। तो वही जलकुंड चरक खुद्र। असुर जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है? असुर जनजाति प्रोटोस्ट्रिलाइड, तो ऑस्ट्रेलिया जनजाति में रखा जाता है। मुल्क एवं मजहब नामक नाटक के लेखक कौन है? मुल्क एवं मजहब नाटक के, तो मुल्क एवं मजहब नामक नाटक के लेखक है कौन है? तो बाल मुकुंद पैनाली, याद रखेंगे। बाल मुकुंद पैनाली मुल्क एवं मजहब नामक नाटक के लेखक कौन है? बाल मुकुंद पैनाली। झारखंड के आरंभिक कवियों में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित है? वेदनाथ पोद्दार, चिरंजीलाल शर्मा, रांची भी, उपरोक्त सभी। झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो राजपुतानी शान को। झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है राजपुतानी शान। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक किस वर्ष लिखा गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है राजपुतानी शान को। इसका प्रकाशन 1906 में किया गया था। हिंदी साहित्य का पहला नाटक किस वर्ष लिखा गया? तो 1913 में झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला नाटक 1913 में लिखा गया। और आप देखोगे वह नाटक का नाम था ग्रह का फेर। पहला हिंदी साहित्य का पहला नाटक ग्रह का फेर, इसके लेखक थे अनंत सहाय अखोरी, अनंत सहाय अखोरी, ठीक है। किस कहानीकार ने सोमदेव उपनाम से कविताएं लिखी हैं? तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण। निम्न में से किस, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन,